दिव्यैः चंदन चूर्ण मिश्र निकरैर् मंदानिलोद्भाषितैः वीणा वेणु मृदंग दुंदुभिरवैः गंधर्व कीर्तिश्वरैः यो जातः क्षितिपालकः प्रचलयन् कृत्स्नं त्रिलोकालयं सर्वज्ञाय निरुद्ध सर्वगतये बुद्धाय तस्मै नमः बुद्धाय तस्मै नमः। मित्रों, सज्जनों, पड़ोसी मित्रों, बंधुओं एवं हमारे संस्थान के कुल सचिव माननीय डॉक्टर रणशील कुमार उपाध्याय जी, इसी प्रकार आधुनिक विद्या संकाय से प्रोफेसर उमेश चंद्र सिंह जी, तिब्बती भाषा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लकपा छेरिंग जी और हमारे अनुवाद विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह जी, रमेश जी, डीपी सिंह जी और वित्त विभाग से श्री राजीव जी एवं सभी छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान 2019 के तहत हमारा संस्था स्वच्छ भारत अभियान 2019 डिक्लेयर है, वो स्वच्छ भारत अभियान 2019 के तहत 2014 से यह अभियान प्रारंभ हुआ है। तब से लेकर हमारा संस्थान परिवार निरंतर स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दे रहा है, जैसे मैराथन दौड़ और इसी प्रकार से जन जागरण यात्रा और नुक्कड़ नाटक और अंदर सभी परिसर की, बाहर की, गंगा घाटों की सफाई हमारे छात्र एवं छात्राएं यथासमय करते रहते हैं और हम नुक्कड़ नाटक का मंचन भी कम से कम 6-7 बार कर चुके हैं। आप लोगों में स्वच्छता का संदेश देने के लिए कि आप केवल अपने घर की ही सफाई नहीं बल्कि गली गलियारों की सफाई, यदि हम लोग स्वयं एक एकजुट होकर के पार्कों की चौराहों पर जो गंदगी पड़ी है तो हम लोग भी एकजुट होकर के वहाँ सफाई करवा सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं और इससे स्वस्थ वातावरण होता है, पर्यावरण की रक्षा होती है और उससे समाज में सौहार्द की भावना भी जो स्थापित होती है। तो मैं इस अवसर पर स्वच्छता की हरियाली नामक नाटक के मंचन के अवसर पर आप सभी विद्वानों, अधिकारियों, पड़ोसी मित्रों, छात्र छात्राओं का स्वागत व अभिनंदन करता हूं एवं अपने माननीय कुल सचिव जी से निवेदन करता हूं कि आप आएं और इस नाटक मंचन के शुभारंभ की अनुमति प्रदान करें। डॉक्टर रणशील कुमार उपाध्याय जी। धन्यवाद प्रोफेसर डीडी चतुर्वेदी जी और यहाँ सभी उपस्थित हमारे संस्थान के आचार्य वृंद, कर्मचारीगण एवं प्रिय छात्र छात्राएं एवं सामने जो लोग खड़े हैं उनका भी स्वागत है, वो भी नज़दीक आ जाएं तो अच्छा रहेगा। और प्रोफेसर डीडी चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में जो नुक्कड़ नाटक हमारे बच्चे तैयार किए हैं उनका प्रस्तुति यहाँ होनी है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में स्वच्छता का कितना महत्वपूर्ण योगदान है और ये स्वच्छता पखवाड़ा विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया और हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर की एक ये उन्होंने कई बार विभिन्न मंचों पे इस बात को सभी लोगों से अपील की है कि जीवन में जो स्वच्छता है उसको किस तरीके से अपनाएं और ख़ास करके जो पब्लिक जो प्लेसेज हैं उस पर भी लोग कम से कम ध्यान दें, वहाँ गंदगी ना फैलाएं और स्वच्छता के प्रति एक जो आंदोलन चल रहा है उसमें सभी लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के मन में जागृति उत्पन्न करने का एक प्रयास किया जा रहा है। मैं जो भी इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं कि वो लोग आगे आएं और अपने मंचन के माध्यम से लोगों को
उत्प्रेरित करें। मैं इसका शुभारंभ करने की उनको प्रदान करता हूं। आप आएं और अपने प्रस्तुति हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आप लोग जैसा जानते हैं, नाटक का मूल बीज या सूत्र जो है सूत्रधार के हाथ में होता है, तो इस कड़ी में सूत्रधार एवं उसकी पत्नी नटी का प्रवेश, इसके बाद मुखिया जी का प्रवेश होता है। मित्रों, मुझे सफाई मिशन कुछ समझ में नहीं आता। सफाई से मतलब घर आंगन की सफाई। अधिक से अधिक अपने दरवाजे के सामने से गुजरते राजमार्ग की, फिर इससे भी आगे कुछ थोथा चना बाजे घना। अरे भाई, क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? देखते नहीं हो यहाँ कितने बड़े बड़े अधिकारी, महापंडित, विद्वान व समझदार जनता उपस्थित है। कुछ अच्छी बातें भी किया करो। अरे भाई, क्यों बुरा मान गए? अरे अरे, क्यों मुखिया जी, लगता है आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मेरे स्वामी किसी की खरी खोटी नहीं सुनते। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? यहाँ पति के बिना पत्नी कैसे रहेगी? अरे स्वामी, क्या हो गया था? ओ मेरे प्राणनाथ, आपको क्या हो गया था? सुनो मेरी प्यारी सुखिया, मैं स्वच्छ भारत मिशन पर कुछ कार्यक्रम की जुगाड़ कर रहा था, तभी मुखिया जी मुझे डांटने लगे। मैं तो यही सोच रहा था कि 2019 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, अगर सरकार नहीं रही तो स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक होगा या नहीं? देखो, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। राजनीतिक से सफाई अभियान का क्या मतलब? सफाई अभियान तो सदियों से चला आ रहा है। कुत्ता भी यहाँ पूंछ से साफ कर साफ सुथरी जगह पर बैठता है। अरे साहब, आप ही बताइए, रास्ते, पार्क व खाली जगह पर कूड़ा करकट की सफाई कौन करेगा? ठीक है, तुम दोनों सफाई अभियान पर कुछ नाटक वाटक दिखाओ और जनता का मनोरंजन कराओ। ठीक है मुखिया जी, लीजिए स्वच्छता की हरियाली नामक नाटक का मंचन करते हैं। आप सभी उपस्थित जनता जनार्दन, बूढ़े लूले लंगड़े, बाबा साधुओं, गए गुजरे, डूबते उतराते व अंगड़ाई लेते हुए आप सभी सज्जनों और विशेषकर कुल सचिव डॉक्टर आर के उपाध्याय जी व समस्त विद्वानों, पढ़ाई लिखाई करने वाले कुछ दगाबाज तथा कुछ प्यारे मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्वागत, अभिनंदन व शत शत नमन करता हूँ। आप लोग हमारे नाटक को देखे, निहारे, समझे व स्वच्छ भारत की उन्नति में कसम बाप की, कसम महबूबा की कोई कसर ना रखे। अगर स्वच्छ भारत अभियान को हम जारी रखेंगे तो यही सरकार फिर मिलेगी, नहीं तो उनका अड्डा साफ और हमारा भी सब कुछ साफ। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेट खजूर, झाड़ू यदि चलती रही
रहे ना दिल्ली दूर। क्या फालतू में खजूर दिल्ली की बात करते हो? लगता है इन लोगों ने सफाई का मखौल बना दिया है। राजा के अनुसार यदि प्रजा चले तभी तो देश की उन्नति होती है। सफाई अभियान पर आप लोग बस थोड़ा सा कार्यक्रम कराकर भरी हो जाते हो। सुनो, ज्ञान हो विज्ञान हो चाहे कहीं भगवान हो, साफ सुथरी जिंदगी से देश की ये शान हो। नीचता से देश को बर्बाद ना कर मान ले, स्वच्छता से मान ले सम्मान ले अरमान ले। फेंकता है दूसरों पर गंदगी वाचालता, गंदगी पर खेलना तू स्वच्छता को ठानता। अरे भैया गूगल, तुम भी कुछ मीडिया का हाल सुनाओ। देखता हूं रोज में जो गंदगी फुफकारती, ढेर कूड़े का लगा है नाक भी दे भागती। देखता हूं रोज में जो गंदगी का ढेर है, शिक्षकों की नौकरी में घुसखोरी फेर है। दौड़ता हूं रोज में जो गड़बड़ी है आप में, फेल को तुम पास करते घुस लेते रात में। अरे चुन्नीलाल, तुम भी सफाई के बारे में कुछ बताओ, क्या कहीं कूड़ा बच बजा रहा है? अरे भैया कुछ मत पूछो, मेरा सारा खाना गिर गया। क्या क्या, कैसे गिर गया? अरे भैया नखी घाट से गुजर रहा था तभी एक पोलिथीन सारे गली चीजें बरसात के पानी में भरी बदबू मार, तभी मेरी उल्टी हुई और सभी खाना गिर गया। सुनो, रात में बदमाश ये जो ढालते कुरान, खत्म कर दूं सभी का फेंकते कुरान वहां। अन्ना पेटू है सभी ये, अन्ना पेटू है सभी ये, ढेर खाते बेल हैं, चोर है ये मक्कार हैं, देश के ये मेल हैं। क्यों ना कानू, कैसी रही मेरी बात? हाँ भैया, स्वच्छता की बड़ी समस्या है। गंदगी फैलाने वाले लोग निश्चित ही अंदर से भी गंदे हैं। निश्चित अंदर से भी गंदे हैं। स्वच्छता से ही पर्यावरण की रक्षा होती है। बनारस की छोटी सगरी गलियों में गंदगी बड़ी पड़ी है, इसीलिए विदेशी सैलानियों को भी इससे शिकायत होती है। गलियों में भैंसों को भी लोग रखते हैं, वहां मल मूत्र की बदबू से सारा मिजाज बिगड़ जाता है। भैंस वालों के लिए कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। केले से है जान जहान, पका पुसावल से लो मान, जो खाए वो सीना तान, केले से है हिंदुस्तान। पकड़ो इन केला बेचने वाली को, देखो जाने ना पाए, केला बेचकर बीच रास्ते में छिलका फेंकती है। इन्हें शर्म नहीं आती, बड़ी बनी केला बेचने वाली। सुनो सुनो लड़की, कहाँ भाग रही हो? मुखिया जी बुला रहे हैं, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम
हथौड़ी है साहब, मैं केला बेचती हूँ, बड़े मीठे केले हैं, ले लो ना साहब। सर मेरा नाम पकौड़ी है, मैं भी केला बेचकर पेट पालती हूँ। बताओ कैसी हो तुम दोनों, केले बेचती हुई पूरा खिलाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो तुम दोनों हमारे मुखिया जी के पास। सर आप बिना पैसे के केले खा लीजिए, हमें दंड मत दीजिए। साहब आप बड़े सुंदर हो, मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा केले बेचकर लड़कों को फंसाती हो, शर्म नहीं आती? ये हिंदुस्तान है, यहाँ चरित्र की पूजा होती है। नहीं साहब आप चरित्र नहीं जानते, शुद्ध साफ सुथरा प्रेम करना क्या गलत है? देखिए ना साहब, पराशर मुन्नी का प्यार महिला की लड़की से हो गया और ब्यास जैसे महामुनि टपक पड़े। चलो तुम्हारी घिनौनी करतूतों को मैं गूगल पर डालता हूँ, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ठीक है साहब, अब मैं कूड़ा नहीं फैलाऊंगी, दूसरों के घर से कूड़ा उठाकर बाहर फेंक दूंगी। साहब हमें सफाई के बारे में पता नहीं था, साहब यह अभियान कब तक चलेगा? सुनो यह स्वच्छ भारत अभियान 2019 है, नहीं जानती हो क्या? अभी 50 रुपए जुर्माना दो। साहब हमारे पास तो फूड़ी कौड़ी तक नहीं है, अभी तो धंधे पर निकली हूँ, साहब मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनो तुम कुछ नहीं जानती हो, इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े दानी मानी व ध्यानी लोग रहते हैं, तुम मांग कर तो देखो, जुर्माना का पैसा तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है साहब आजमाती हूँ, देखती हूँ कौन है धन्ना सेठ, कौन है टाटा बिरला, या फिर सभी भगोड़े विजय माल्या है। चलो पकौड़ी लाओ कटोरा, चंदा लेना शुरू करें। दशा मुझे दीन की भगवन, बचा लोगे तो क्या होगा, जरा पैसा मुझे दे दो, संभालोगे तो क्या होगा, गरीबी में पले हैं हम, संभालोगे तो क्या होगा, बचे हम काल मुखिया से कृपा कर दो तो क्या होगा, सा मुझे दे दो, संभालो के तो क्या होगा। मुखिया जी देखिए ये लोग आपको काल शब्द से कहती है, मुखिया जी देखिए ये लोग आपको काल शब्द से कहती है। नहीं जी ऐसी बात नहीं मुखिया जी, लीजिए हमें पैसे मिल गए। वाह रे हिंदुस्तान, यहाँ के लोग बड़े दयालु कृपालु व मददगार हैं, डूबती नैया को बचा लेते हैं। क्या नाप शनाप भक्ति हो, यहाँ के लोग सचमुच दयालु हैं, स्वच्छता के पुजारी हैं, साफ सुथरे हैं, बड़े मन भावन सावन हैं। देखो इनमें से कोई भी दीन दुखी नहीं है, क्योंकि ये सभी साफ सफाई से रहते हैं। बहुत ठीक कहती हो, यहाँ नगर निगम कूड़ादान घर घर जाता है, सभी से कूड़ा मांगते हैं, उसे भी लोग गरीब समझकर पैसा व कपड़े दे देते हैं। हिंदुस्तान स्वच्छता के बल पर पूरे विश्व में चमक रहा है, दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। चलिए चलिए सभी लोग
मिलकर सफाई करते हैं। हेलो 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 पिंटू आ गए, कहाँ होवे? अब तनी हो, अब तनी। ओ मिंटू, अरे भगा सारे सफाई करे वाले आवत है, चला कहीं छिपल जाए। अरे मिंटू तू ठीक ना करत हो, कब तक पागल रहे हुआ? कोने दिने पकड़ जे हुआ, सारे मुखिया जी डंडा मर है, तब तो के पता लगी। देखा ना बा, सफैया का पाका चलत बा। देखा गुरु, जब से ई मोती आइल बानी, सफाई करत करत नाक में दम आ गई हो, हड्डी सुखा गई। देखा ना उ पाखा मा पूरा 2 दिन सफाईया चलल, गंदगी जे करे तो बा उ के पकड़े के चाही। बड़ा नीमन बात कह ले रे, सुन बे, हम सोचत बनी जे जे रात में कूड़ा फेंकत वा ओके लिस्टिया तू बनावा। दरोगा कहत रही, पिंटुआ रे तू ऐसन करा, रतिया में जागा जे कूड़ा फेंकत वा ओके नाम हमके बतावा, हम तो के इनाम दे। तब ता बड़ा मजा आई, रात भी जागल जाए, पैसों का देरे कमाए होए, ईमा मेहनत तो देर ना हो। सुना दरोगा जी कहत रहिन, तू सूचन बा दे बा तो के चपरासी बनाई दे। वाह मिंटुआ, तू बड़ा अच्छा सोच ले। मिंटुआ रे सुना ना, हमार मेरा रुआ कहत रही, ए जी पर चालिया कैसे कहूँ पैसा रुपया कमावा। मिंटुआ रे रात में कैसे जागल जाइल, हमार मेरा रूबा शंकालु बाटे, रतिया में 8 बजे ताला मर देली, जैसे हम कहीं दूसरे मेरा रू के न देख पाए। अरे सारे तू भुत्तू हुआ, तू दिनों मा दूसरा ताली बनवा लाना, जैसे उके पतो ना चली। अरे कहत रहली, हमनी का दोगो मरत छोड़ देर बानी, उ दोनों रतिया मा इहार उहार भाग जात रहिल, ऐजा से तो के न जाए दे। तू सारे मूर्खो हो, जरूर तोहार मेहरारू दिनों मा इहार उहार जात होए, आजकल मेहरारुआ बड़ी चालाक हो गईली, मुहा पर पट्टिया बांधतनी। चला अब कुछ सफाया करल जाए, चला मुखिया जी के लग गए। मुखिया जी प्रणाम, पहला गो। मुखिया जी सफाया करत करत जान निकल गई, पूरा ई तिबतियन की आवश्यकता में सफाया कर देनी। देखत ना हो सभे के यहाँ चेहरवा चमकत हो, रजिस्ट्रारों को देखा यहाँ आइल से चेहरवा और चमकत हो। वाह वाह, तुम दोनों बहुत अच्छे सफाईदार हो, सफाई करके अपने दूसरे जन्म को बहुत अच्छा बना रहे हो। जी मुखिया जी, आपो के हुकुम से हम दोनों सफाया करे जात बानी। मिंटुआ रे सुना ना, हम मुखिया जी को बुत्तू बना देली, देखा ना यहाँ कहूँ पर सफाई ना कैली, तोने पर मुखिया जी तरीफे का पुल बादत वा, रजिस्ट्रारों को कुछ पता न लगल। सुना ना आज का ई जमाना बा, अपने अफसरन का तरीफिया करा, बस सबई काम वा बन जाई। सुना रजिस्टर सीधा बा चालू नबा, उ हमार बात सुनत हो, अब ओके पटाई, जैसे इहुए नौकरिया मिल जाई। सुना रे हमरो जुगरबा बना दा, हम खूबे सफाया करब, अब बदमाशी ना करब, सफाया से ना अपन देश चमकी,
ओके पटाओ ले रहा ठीक पटाओ ले रहा ठीक बात चला चला। सबसे प्यारी साफ सफाई बात हमारी मानो भाई कूड़ा करकट पूरा मटकट कूड़ा करकट पूरा मटकट कूड़ा करकट पूरा मटकट। अरे भैया जी आइए बैठिए थोड़ा पानी पी लीजिए। हम लोग भी आपका ही काम कर रहे हैं। हमारे मुखिया जी को अपना परिचय दीजिए। मुखिया जी प्रणाम करता हूँ। मैं मुनराम हूँ सरनाथ से सिंहपुर व गजवा हवेलिया से साफ सफाई करके आ रहा हूँ। सफाई करने की बड़ी फायदे है। जो हमें कूड़ा उठाते हैं तो वे लोग आशीर्वाद देते हैं। सुख सुख जियो सुखी रहो तुम्हें अच्छी सुंदर बीवी मिले। मुखिया जी मैं तुलाराम हूँ। अभी सुबह से हिरामनपुर छाही अकथा से कूड़ा साफ करके आ रहा हूं। आज मुखिया जी बड़ा गजब हो गया। एक पंडित जी पूजा करा रहे थे तभी एक एसटीएससी उनकी रिपोर्ट कराया कि पंडित जी ने उनकी बीपी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिए। बेचारे पंडित जी जेल चले गए। जजमान की पूजा भी नहीं कर पाए बेचारे पंडित जी। मुखिया जी मेरा नाम पनारू है। मैं भी सुबह से ढोंगी पीट पीट कर कहता हूँ मेरे प्यारे प्यारे साथियों भैया भुजाइयों मामा मामियों बहनों मौसी मौसा चाचा चाची माताओं व साले सालियों सुनो सुनो सुनो। मेरी गाय है बड़ी दुधारू दूध दूहूं मैं बड़ा पनारू। मेरी झाड़ू बड़ी जुझारू मैं हूं सबसे बड़ा जुगाड़ू। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तब तो लगता है सफाई अभियान सभी के सर चढ़ने लगा है। बस अब तो केवल जगह जगह पान थूकने वाले तथा सुरती खाकर दीवाले गंदा करने वाले लोगों का पता कर उन्हें दंडित कराना है। जहां एक कोई सफाई करे वहीं कोई दूसरा थूक कर किए कराए पर पानी फेर दे। पान का मजा ही कुछ और है। सुरती तो पूरा दिमाग को जगा देती है। मैं सोचता हूं कि सुरती का प्रचार करूं। सुरती नहीं तो ऑफिस का काम ही नहीं हो पाता। चूना भी बड़ा भाग्यशाली है। कहीं हुक्का तो फिर कहीं थुक्का तो फिर कहीं बुक्का। थूक फेंक कर प्रथम श्रेणी के रास्ते को गंदगी कर रहे हो। पकड़ो इसे अभी। सुनिए महोदय मैं मखनचू हूं। सुरती का प्रचार करता हूं। एक दिन गुरुजी के आदेश से मुझे सुरती खरीदने चंदुआ सट्टी जाना पड़ा था। सुबह से शाम तक अगर कोई चलती है मुख मुख में दिखाई देती है तो वह है सुरती। आपको पता नहीं है क्या कूड़ादान इकोपाल एजेंसी को नगर आयुक्त वंसल ने हटा दिया है। वह कूड़ा उठाने में लापरवाही कर रही थी। 10 वार्डों में पर्यवेक्षक लगा दिए गए। गली गलियारों चौराहों के आसपास जमे मालवे की साफ सफाई हो रही है। लोग अपने साधन से भी साफ सफाई कर रहे हैं।
ठीक है, सुनो, हम सभी मिलकर साथ सफाई करेंगे और सफाई करके ही लंच करते हैं। सुनिए महोदय, यहाँ है कोई माइकल लाल जो हम सब लोगों को लंच कराए? आजकल के लोग बड़े ही लालची हो गए हैं, लगता है गिद्ध बन गया है, टकटकी लगाए दूसरों का खाना दिखता है। तुलसी बाबा भी कहते हैं, स्वार्थ लागी सब प्रीति, सुर नर मुनि यह सब की रीति। चलिए सभी लोग मिलकर झाड़ू लगाए वह स्वच्छता को हरा भरा कर दे। मित्रों, सज्जनों, आप सभी लोग हमारे सुर में सुर मिलाइए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मगर गंदगी नहीं करेंगे, मगर गंदगी नहीं करेंगे। जो कूड़ा करकट फैलाए, जो कूड़ा करकट फैलाए, उसे दंड दो नरक पठाए, उसे दंड दो नरक पठाए। करे सफाई भैया आए, करे सफाई भैया आए, रोज बनारस को चमकाए, रोज बनारस को चमकाए। साथ रहेंगे साथ मरेंगे, साथ रहेंगे साथ मरेंगे, मगर गंदगी नहीं करेंगे, मगर गंदगी नहीं करेंगे। मित्रों, यह हिमाचल किन्नौरी, तिब्बती, नेपाली व भूटानी छात्रों की प्रस्तुति आपके सामने रही। आप जानते हैं इनकी अपनी अपनी वहाँ की मातृभाषा है, फिर भी इन्होंने हिंदी में आपके समक्ष प्रस्तुति की। मैं इस प्रस्तुति के संबंध में हमारे आधुनिक विद्या संकाय के प्रोफेसर उमेश चंद्र सिंह जी का आह्वान करता हूँ। आप आएं और दो शब्द इस नाटक के संदेश व नाटक की प्रस्तुति पर दो शब्द कहें। उमेश चंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर उपाध्याय जी, कार्यक्रम के संयोजक भाई डॉक्टर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी, डॉक्टर रामजी सिंह जी, डॉक्टर आर के मिश्रा जी, उपस्थित संस्थान के समस्त कर्मचारी बंधुओं, प्रिय छात्र छात्राओं एवं काशी के प्रबुद्ध नागरिकों, यद्यपि संस्थान के कार्यक्रम आज के कार्यक्रम के बाद इतना मोहक कार्यक्रम था कि इस पर समीक्षा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने आदेश दिया तो दो शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि भाषा की समस्या होने के बावजूद जिस तरह प्रिय छात्रों ने मोहक प्रस्तुति की, पूरे समय तक न केवल अपनी अदायगी से बल्कि अपने संवाद से पूरे समा को बांध करके रखा, वो अत्यंत आह्लादक रहने के साथ साथ प्रेरणास्पद भी रहा है और वर्तमान सरकार की नीतियों को स्पष्ट रूप से उजागर भी करता है। आगे ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं साधुवाद देता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। अब मैं अपने माननीय कुलसचिव डॉक्टर आर के उपाध्याय जी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे बच्चों को सुआशीर्वाद धन्यवाद प्रदान करें और साथ साथ उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान करें। डॉक्टर उपाध्याय जी। धन्यवाद प्रोफेसर चतुर्वेदी जी, आपके निर्देशन में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण किया और यहाँ जो लोग भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने इसकी जो मुख्य बात है, जो प्रेरणा लेना चाहिए, वो जरूर वो स्वच्छता के प्रति एक संकल्प लेने की ज़रूरत है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो यहाँ प्रस्तुति हुई है उसके पीछे एक छिपा संदेश था, जो कि अभी हमारे प्रोफेसर उमेश चंद्र सिंह जी ने इस चीज़ को कहा
ये रोज जो भी इस तरह के जो कार्य होते हैं, हम सभी को एक लोगों के मन में ये बात रखनी चाहिए कि हाँ, स्वच्छता के प्रति वो हमेशा संवेदनशील रहें। यदि कोई गंदगी फैलाने का काम करता है, खास करके पब्लिक जगहों पे, तो उनको टोकने का भी काम और साथ साथ उनको दिशा देने का भी काम करना है। और इन्हीं तरह के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों के अंदर जागृति फैलाने का काम किया जा रहा है, और इसके लिए मैं अपने बच्चों को साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी प्रस्तुति रही, बड़ी मोहक और प्रेरणादायक रही। ऐसे ही कार्यक्रमों में आप लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें और हमारे संस्थान या विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। हम इन्हीं सब के माध्यम से आपको पुनः साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।